चलिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने हाँ तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ लिया था अपन ने, है ना। फिर हमने पढ़ा था लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट के कार्य, क्या करता है एक मैनेजर। अभी तो मैं हल्का सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है ना, कंट्रोलिंग, ये जो दे रखे कोऑर्डिनेशन, अगर आप स्टार्टिंग की इंडेक्स निकालोगे और इसमें देखोगे चैप्टर्स के नाम, तो चैप्टर 4 है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। हाँ तो यही मैनेजर्स के फंक्शन, अपना सब्जेक्ट ही है बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो यही फंक्शंस को अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट मैं अभी मतलब हल्का सा बता देता हूँ क्या काम करता है एक मैनेजर। सबसे पहला काम क्या करेगा मैनेजर, प्लानिंग। हर चीज की शुरुआत ही एक प्रॉपरली प्लानिंग से होती है, ठीक है। एक अच्छी प्लानिंग हो, अच्छी प्लानिंग का मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक है। किसी काम को करने से पहले उसके बारे में ना आप क्या करो, थोड़ी स्टडी करो, है ना। फ्यूचर की कुछ प्रॉब्लम्स देखो, है ना, कितना खर्चा होगा, आपके पास कौन कौन से सोर्सेस हैं, इन सबके बारे में आप पहले से डिसाइड करना ही प्लानिंग होता है। हिंदी में कहा जाता है नियोजन, योजना बनाना। तो सबसे पहले एक मैनेजर का क्या काम रहता है कि भाई आप कोई भी काम करना है तो उसको प्रॉपर प्लान करके ही करें, प्लानिंग। और डिटेल में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या करना, कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, इन सबके बारे में पहले से ही डिसाइड करना, प्लानिंग करना। आप प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग तो आपने कर ली, लेकिन आपको लोगों का समूह भी तो चाहिए। फिर दूसरा काम रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजर का काम है दूसरों से काम करवाना, तो वो कौन है दूसरे, ठीक है। उन लोगों के ग्रुप को ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसके बाद स्टाफिंग, लोगों का ग्रुप तो हो जाएगा, लेकिन कौन इंसान किस चीज में माहिर है वो डिसाइड करना भी वो रहता है, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना ही स्टाफिंग होता है ना? जैसे क्रिकेट टीम में देखते हैं कि बॉलर अपना बॉलिंग का काम करता है, कीपर कीपिंग का काम कर रहा है, बैट्समैन बैट्समैन का, ठीक है। लेकिन बैट्समैन में वो सारे रहते हैं, फिनिशर अलग रहता है जो स्पीड में खेलता है ना, कुछ ओपनर्स अलग रहते जो ऐसा ओपन ही अच्छा खेलते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग करा था तो मिडिल ऑर्डर में उतारा था, जबकि वो एक्चुअल में ओपनर बेस्ट था, है ना। मतलब यही होता है स्टाफिंग, कि आप सही इंसान को सही जगह पे लगाओ। अब आप अकाउंटेड हो और आपको मैंने इंजीनियर का काम दे दिया करो, कैसे हो पाएगा, क्योंकि आप देखो आप टैलेंटेड भी, आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, सबको जानकारी है, ठीक है। लेकिन आप इंजीनियर ना, अब इट मीन्स आपने उस फील्ड में पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो स्टाफिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कि आपको स्किल वर्कर नहीं मिलता है। एक ऐसा बंदा जो उस काम में माहिर है। अगर मैं अभी पेपर में दे देता हूँ क्या कि मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है, बीकॉम पास ग्रेजुएट है जो कोई प्रोफेशनल अकाउंटिंग करते हुए जाइए, 500 लोग आ जाएंगे, 500 में सब बीकॉम पास वाले आ जाएंगे, अकाउंटिंग किसी को कुछ नहीं आती। अभी बहुत सारे ऐसे आपको बीकॉम पास वाले मिल जाएंगे, आप जनरलिटी कुछ 11 की नहीं बता पाएंगे, डी प्रैक्टिकल बहुत बुरी हालत रहती है। इसलिए इस बार गवर्नमेंट ये काम करेगी, पास करना तुमको पास करवा देगी कैसे भी करके, तुम 30% कोर्स कम कर दिया है, ठीक है। और गया पता सिचुएशन बिगड़ेगी तो और एग्जाम की फॉर्मेलिटीज निभा देंगे, पास हो तो जाओगे लेकिन जो में क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी बेटा, है ना। तो इम्पोर्टेंस आप पढ़ो बस, है ना, इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली आपको आना है। जब आप मैनेजर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग होती क्या है, कैसे करते हैं ना। अभी जो आपकी इनफॉर्मल प्लानिंग चलती है वो बात अलग है, हम फॉर्मल प्लानिंग की बात करेंगे। स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग का मतलब बताना ना, निर्देशन करना। जैसे पिक्चर में डायरेक्टर रहता है ना, मूवीज में मूवी शूट होते डायरेक्टर बताता है हीरो को ऐसे एंट्री लेना है, विलन्स की एंट्री ये होती है, वो डायलॉग रहता है, मतलब डायरेक्शन करता है।
वैसे एक मैनेजर भी एक डायरेक्टिंग का ही काम करता है, वो दूसरों को काम बताता है, करवाता है, करता नहीं है वो, तो डायरेक्टिंग करेगा। डायरेक्टिंग के बारे में उसमें और भी दे रखा, सुपरवाइजर, सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, ये फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग रहेगा। अभी जब डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, खाली काम बता देना ही सिर्फ मैनेजर का काम खत्म नहीं हो जाता, कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आपको काम बता दिया, लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे प्रॉपरली पूछ नहीं रहा हूँ, इट मीन्स कंट्रोल के कंट्रोलिंग करना भी एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं जो काम आपने बता दिया, लेकिन सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक में भी 1-2 घंटा अपना वेस्ट कर देते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन इसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी में भी। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को रोकना है, ठीक है, एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में सब लोग काम करें, वो डिसिप्लिन को स्थापित करना ही कंट्रोलिंग होता है। अपन स्कूल में देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं, आसपास स्टाफ उन पूछताछ करने आता है, देखते भी है ना कुछ, जैसे अपने स्कूल में भी क्या रहता है कि भाई है, अगर अपन कुछ बोल रहे हैं तो भाई नीचे बता देते थे, ऐसे डिस्कशन होता था, मैंने देखा था ना, कि कंट्रोलिंग बना रहे कि कोई भी बच्चा कुछ गलत ना करे, है ना, सभी स्टाफ अच्छे से काम करे, तो उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए, तो ये अपन कंट्रोलिंग कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब लोगों में तालमेल बने। जबकि प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप जॉब करने जाओगे ना, 1-2 बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत इरिटेट करेंगे, जिससे आपकी बनेगी नहीं। क्लास में भी आप स्कूल में बैठते हैं तो 1-2 गर्ल्स या बॉयज ऐसे होंगे जिससे आपकी बनती नहीं होती, है ना, वही आपको आपके बिजनेस में मिल जाएंगे जिससे आपकी बन नहीं रही, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। क्या करते दो पुलिस वाले, एक पुलिस वाला अच्छा रहेगा, एक पुलिस वाला बुरा रहेगा। अब किसी को इंट्रोगेट करना रहेगा तो पहले तो बुरा पुलिस वाला चले आएगा, उसको ठोकेगा, मारेगा, पीटेगा, उससे पूछने की कोशिश करेगा, उसने बता दिया तो अच्छी बात है, और फिर एक दूसरा जाएगा उससे प्यार से बात करेगा, देख मैं बहुत अच्छा, टेंशन मत ले, मारेंगे नहीं तुझे, डांटेंगे नहीं कुछ, नहीं तू मदद कर दे, हेल्प कर ले, बहुत प्यार से बात करते। वैसे आपकी भी प्रोफेशनल कंपनी में क्या होगा, दो बॉस मिलेंगे आपको, एक खड़ूस स्ट्रिक्ट और एक बहुत नर्म रहेगा, है ना, एक खड़ूस क्या बार बार चिल्लाएगा, डांटेगा, तुमको पनिशमेंट देगा, सैलरी काटेगा, जब तुम छोड़ने की धमकी दोगे तो एक नरम बॉस आएगा, वो अच्छे से बात करेगा, बहुत आपसे बहुत सॉफ्टली बात करेगा। स्कूल में भी देख सकते हो, दो सारे ना, एक स्ट्रिक्टली रहेगा तो एक, है ना, हाँ, एक सारे जो स्ट्रिक्टली रहेंगे, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर दूसरे अपने प्रिंसिपल सर क्या करते और अच्छे से समझाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह की वो रहती टेक्निक, मैनेजमेंट के टेक्निक्स में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ताकि लोगों में कोऑर्डिनेशन बने रहे, तालमेल बना रहे, तालमेल मतलब सब एक दूसरे के काम में सहयोग दे, है ना। क्रिकेट आप तो देखते हो ना, आपको जानकारी तो है ना, रन आउट कैसे होता है, एक प्लेयर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, उसने बोला रन, वो भागा नहीं, वो भाग गया तो रन आउट हो जाएगा ना, तो एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण रन आउट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बिजनेस मैनेजमेंट में हर इंसान अपना अपने काम पे ध्यान देता है ना, लेकिन उसके सामने वाले के कोऑर्डिनेशन के कारण क्या हुआ, उसने उसका काम भी बिगड़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर एक ने कोऑर्डिनेशन नहीं कराना तो दूसरे का काम भी बिगड़ जाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब लोगों में तालमेल बनाना है, ठीक है। तो एक इसके बाद आता सब्सिडरी फंक्शन, डिसीजंस लेना, उसको डिसीजन मेकिंग आते है, खाली नाम के लिए आता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रिसर्च, इनोवेशन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये सब्सिडी फंक्शंस है, क्या लिखा है इस पे ध्यान से पढ़ो। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है डिसीजन की। अगर अब आपको मोबाइल लेना है कि घर वालों ने बोला चलो 15,000 रुपये दिया मोबाइल लो, तो आपको मोबाइल को से रिलेटेड आप इतना सर्च करने लग जाओगे, कितना वीवो ले, ओप्पो ले, सैमसंग ले, कौन सा फ़ोन ले, ठीक है, इसमें अब रैम कितनी आएगी, इंटरनल मेमोरी कितनी आएगी, क्या बेनिफिट है इसके, सर्विस कितनी है, कितना सर्च करोगे आप, बहुत सारे सर्च करोगे,
उसके बाद कोई एक लोगे जो आपकी नजरों में सबसे कम में हो, सबसे बेस्ट हो, यही करेंगे। यहाँ पर अपन मोबाइल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई फैक्ट्री में कोई प्लांट मशीनरी कुछ स्टेब्लिश करना है, लाखों करोड़ों की बात रहती है, तो मैनेजर क्या सोचता है कि यार मैं अपना कौन सी कंपनी में कौन सी मशीनरी ले, चलो 50 लाख है, 50 लाख में हमें एक प्रोडक्शन मशीन खरीदनी है, तो 50 लाख में हमारे पास कितने ऑप्शन है, वो मार्केट में सर्च करेगा कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड कितनी मशीन है, कौन सी कंपनी क्या सर्विस देती है ना, प्रोडक्शन उसका कैसा, आउटपुट कैसा है, पर यूनिट हमारी कॉस्ट क्या होगी। लाइक कॉपी बनाने की मशीन है तो कॉपी के लिए प्रिंटिंग मशीन है, कटाई मशीन है, तो कितनी सारी चीज़ रहेगी, तो उसकी सर्विस क्या है, कितना प्रोडक्शन का आउटपुट देगी, क्वालिटी क्या रहेगी, सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है ना। ऐसे हर चीज़ के लिए उसे छोटे छोटे डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन लेने का काम मैनेजर्स का ही लेता है, एम्प्लॉयज़ का काम उस डिसीजन मतलब कुछ काम करने का रहता है ना, फाइनली डिसीजन मैनेजर्स को लेना रहता है, तो डिसीजन मेकिंग उनके एक सब्सिडरी फंक्शन से लेता है, मेन फंक्शन ना लेकिन सहायक फंक्शन है ये, ठीक है। फिर रिसर्च करना, रिसर्च मतलब खोज करना, ऐसा क्या करें कि उसकी कंपनी दूसरी कंपनियों से बेस्ट हो जाए। अभी भी हर चीज के लिए रिसर्च चलती रहती है। सारे कानपुर का उसका भी आया था, मेरे को ध्यान में नहीं आया, IIT का किसी स्टूडेंट ने है ना पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई है, इन्वेंशन कर दिया कि वो पानी पेट्रोल की जगह पानी आया, वीडियो भी आया था मेरे पास, उसमें एक माइनस ड्रॉबैक क्या है, पानी से तो चलेगी वो, लेकिन वो क्या एल्यूमिनियम कंज्यूम करती है, एल्यूमिनियम उसमें रखा जाता, पानी उबलता तो एल्यूमिनियम को कंज्यूम करता रहता है, उसी से ईंधन बनता और गाड़ी चलती। शुरुआत तो कर दी ना उसने कि हाँ पानी से भी चलना पॉसिबल है, फ्यूचर में फ्यूल खत्म हो जाएगा तो पानी से चलना पॉसिबल है, उसने रिसर्च करी। अब उसकी रिसर्च को जो कंपनी खरीदेगी वो कंपनी आगे से जाके क्या पानी से चलने वाली गाड़ी पे वर्क कर सकती है, हो सकता है और आगे डेवलपमेंट हो तो एल्यूमिनियम जो 1000 रुपये का एल्यूमिनियम कंज्यूम कर रही है वो 500 का करने लग जाए और कम करने लग जाए, क्योंकि जब कंप्यूटर बनाया था तो एक कंपनी के बराबर था और आज हाथ में आ गया आपके कंप्यूटर, इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट अब उसके ऊपर होगा, रिसर्च करना कि आप क्या कर, कुछ नया कर सकते हैं, क्या चीज़ें करें, क्या हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए क्या करें, ठीक है। तो रिसर्च का काम कंटिन्यू चलता रहता मैनेजमेंट में, ठीक है। डेटॉल के आप देखो, पेप्सोडेंट के, कोई से भी आप देख लो प्रोडक्ट है ना, हर 2-3 महीने बाद कुछ नया ऐड आने के लिए जाता है, कुछ नया प्रोडक्ट उसमें नया कुछ निकाल देता है ना, तो ये क्या हो जाता है रिसर्च के कारण, कुछ नई रिसर्च करी, कुछ पतंजलि सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है, उसको प्रोडक्ट कितने नए आ जाता है। मुल्तानी मिट्टी की रिसर्च करी तो वो है डायबिटीज शुगर इन सबकी दवाइयों का भी कोरोनिल के साथ ही बोल दिया था बाबा रामदेव ने, बोला था ना कि इनके अलावा भी आपके अभी और भी हमारे पास बीमारियों की दवाइयों के लिए हमारे पास अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, जैसे वो सक्सेसफुल हो जाएगी इनको भी हम मार्केट में उतार देंगे। तो रिसर्च का काम चलता रहता है, इनोवेशन कुछ नया लाना आपके प्रोडक्ट में ही, कुछ नया लाना। मोबाइल कंपनी इनोवेशन ज़्यादा करती है, 24 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल तक आ चुकी है ना, रैम बढ़ा दी, स्टोरेज बढ़ा दी है ना, थोड़ा सा कुछ और नया लुक अट्रैक्टिव कर दिया, ये इनोवेशन करना। इनोवेशन मतलब कुछ नया लाते रहना, और रिसर्च का मतलब नई खोज करना है, डेवलपमेंट। अब मैनेजर क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है किसकी भी, यहाँ पर कंपनी की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से है ना, मैनेजर्स क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेशन का काम भी रहता है कि कंपनी को रिप्रेजेंट करे वो, तो ये उनके फंक्शन है। कौन से, सब्सिडी फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या सब्सिडी फंक्शन में, डिसीजन मेकिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा इनोवेशन और चौथा रिप्रेजेंटेशन का। इट मीन्स फ्यूचर में अगर आप मैनेजर बनोगे अपने पे लो, फ्यूचर में आप मैनेजर बनोगे तो आपके क्या क्या है ना, प्राइमरी फंक्शन तो आपके हो गए, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजेशन से ये तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, ये आपके प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा भी आपके और क्या फंक्शंस रहेंगे, आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा कंपनी से रिलेटेड, आपको रिसर्च भी करवानी पड़ेगी कुछ नया प्रोडक्ट कुछ नया आ जाए है ना, आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा मतलब इनोवेशंस भी करना पड़ेगा है ना, इनोवेशन के साथ आप कंपनी को रिप्रेजेंट भी करोगे, ठीक है। ध्यान रखना रिसर्च और इनोवेशन में डिफरेंस समझना। रिसर्च का मतलब है कुछ नया लाना,
अभी सैमसंग वाले ने नया मोबाइल आया नई जनरेशन के लिए, एकदम पन्नी जैसा मोबाइल है, देखा होगा ना कैसा भी मुड़ जाएगा उसकी कांच स्क्रीन, कांच की नहीं एकदम पन्नी जैसी है, उसको आप कैसे भी मोड़ लो कैसे फोल्ड कर लो टूटने का रीजन खत्म हो गया। नई जनरेशन वाला मोबाइल है वो ऐसा कि उसको घड़ी भी बना लो मोबाइल को, फिर बाद में सीधा कर लो गोल घुमा लो कैसा भी दे रहा था। ये है रिसर्च, नई रिसर्च करी है ना। और इनोवेशंस में क्या नया लाना कुछ, जैसे वीवो ने क्या V7 V8 V9 है ना सीरीज चल रही है, सीरीज मतलब इसी में कुछ इनोवेशन करके इसको नए सिले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिसर्च ये इनोवेशन में आ जाएगा। तो रिसर्च और इनोवेशन समझ गए ना। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, मैनेजर्स की कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ सीमाएं रहती है। सबसे पहली लिमिटेशंस रहती, सीमाएं रहती दोष या कमियां भी बोल सकते हैं इसको, पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजर सबसे ऊंचा रहता है उस, देखो अगर हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारे हमें देखने के लिए ऊपर बहुत सारे, लेकिन अगर हम एज खुद ही मैनेजर है तो हमारे ऊपर कोई है नहीं, है ना। तो मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी है ना प्रायोरिटी दे सकता हूँ वहाँ पे। एक मैनेजर का काम होता है कि वो अपने इंटरेस्ट की जगह किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, कंपनी के इंटरेस्ट को। एक तानसेन का के बारे में बताता हूँ। जब तानसेन क्या करते थे, अब गाना लिखते थे अकबर के लिए, राजा के लिए गाना लिखते थे ना, तो वो एक बहुत बड़ा दिया जला के है ना, दिए को जलाकर उस दिए की रोशनी में रात को गाना लिखते थे, ठीक है। जैसे ही गाने लिखने का काम कंप्लीट हुआ, उस दिए को बुझा देते थे, फिर एक छोटा सा दिया पास में रखते थे, उस दिए को जलाते थे। पूछा कि ये क्या, बोले वो दिया राजदीपक है, राजा के द्वारा दिया गया, उसका तेल उसमें जो दिया चला इसमें बत्ती है वो सब राजा ने दी है, ठीक है। और उस समय मैं राजा का कार्य कर रहा था, तो इसलिए मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं उनकी वस्तु का उपयोग करूँ। लेकिन जैसे ही राज कार्य खत्म हो गया है, अब मेरा व्यक्तिगत काम चालू हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यक्तिगत मतलब संपत्ति का उपयोग करूँगा, तो वो खुद के दिया तेल मतलब वहाँ पर उसका खुद का, तो ये उसकी रिकॉर्ड मतलब ये उसकी क्या है, ईमानदारी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो समटाइम मैनेजर्स की प्रिफरेंस टू पर्सनल इंटरेस्ट, कई बार कुछ मैनेजर क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व दे देते हैं, देखने वाला कोई है नहीं वो अपना काम कर रहा है, आजकल ज़्यादा होता है स्कूलों में भी, इसमें भी देख लो ना, मैडम उन मोबाइल चलाने लग जाएंगे, कोई गेम खेलने लग जाएंगे, कोई व्हाट्सएप करने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ काम में लग जाएंगे, ठीक है। जबकि वो टाइम किसका है, स्कूल का टाइम है, पढ़ाने का टाइम है, स्कूल मैनेजमेंट का टाइम है, तो वो समय आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हो, है ना। जबकि देन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन मोटिव क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट को देखना, ऑर्गेनाइजेशन के सामान्य हितों को देखना, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सारी पावर एक के पास रहती है, मैनेजर के पास, हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज कर ले, करते ना ज़्यादातर मैनेजर से, चलो तू मेरे पहचान का, वो मेरे परिवार का रिलेटिव का, अनस्किल वर्कर को भी आप क्या करोगे, अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दोगे। बहुत सारे जब पता चलता ना कि हमारा कोई रिलेटिव मैनेजर से मैनेजर बन गया, तो उससे आस पड़ोस या रिलेटिव बहुत हो जाते हैं, यार आपकी कंपनी में कोई जॉब हो तो दे दो, वो भी क्या करेगा अपने व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता देते हुए, उसको पता है कि वो बंदा मक्कार है, काम अच्छे से नहीं कर रहा, फिर भी क्या करेगा उस कंपनी में लगवा देंगे। तो क्या करता है ये इकोनॉमिक पावर रहती है, उनको क्या रहती है निर्णय लेने की भी ताकत रहती है ना, तो उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। फिर लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ना, क्रिटिक्स आल्सो शेयर दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस लैक स्टेबिलिटी, इफ अ न्यू प्रिंसिपल इज डेवलप टूडे इट बिकम है ना आउटडेटेड टुमारो ड्यू टू फास्ट चेंजेस इन बिजनेस सिचुएशन, ठीक है। स्टेबल नहीं है इसके प्रिंसिपल, क्योंकि मैनेजमेंट का टाइम मैनेजमेंट क्या हो रहा है, समय के हिसाब से बदलता जा रहा है और स्ट्रिक हो रहा, कुछ ना कुछ नई खोज इन्वेंशन आती है। अगर किसी ने नए प्रिंसिपल्स को एडवोकेट कर दिया तो इन प्रिंसिपल्स का महत्व कम हो जाएगा। और बता सकते क्या, अनप्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आप इंसान के बिहेवियर को
उसका प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, ये भी लेता मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट साइंस इज अ ह्यूमन साइंस, एक मानवीय विज्ञान है, ठीक है। इसी विज्ञान के ऊपर क्या करते हो, आप दूसरों से काम करवा लेते हो। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब इंसान के व्यवहार को समझना मुश्किल है। कई बार कुछ सिद्धांत क्या करते हैं, इन व्यवहारों पे अप्लाई नहीं हो पाते, एक ही दे दिया। और मैनेजमेंट अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में किया, अगर आपकी कंपनी का काम एक से ज़्यादा कई देशों में चलता है और आप एकमात्र ही मैनेजर हो, तो आपको वो मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी। लाइक आप ही एक कंपनी के और आपका काम किस में चल रहा है, 3 से 4 देशों में चल रहा है। अब यहाँ पे भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, लंदन में भी चल रहा है, चलो 3 देश की बात करते हैं, पर ठीक है। छोटी ब्रांच है आपको, खाली 2 देश में चल रही है, 3 देश में, भारत में, अमेरिका में और यूएसए में, क्या यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तीनों में बहुत समस्या हो जाएगी आपको, क्योंकि भारत का टाइम और यूएसए का टाइम क्या चलता है, और यूके का टाइम, अब अमेरिका का टाइम हमसे 5 घंटे पीछे, लाइक अभी यहाँ पर 2 बजे है, तो यहाँ से 5 घंटे पीछे कर लो, है ना। वहाँ पर कितना बजे होगी, 9 बजे होगी, वहाँ पर अभी सुबह होगी, 9 बजे होगी। और लंदन का टाइम देख लो, तो वहाँ पर कितनी बजे होगी, वो 5:30+ में चलता है। हाँ, अब घड़ी सब सेट करते हो तो उसका आता ना टाइम सेटिंग में 5:30+ GMT, ग्रेनेज मिनी टाइम, है ना। ग्रेनेज क्या एक सिटी का नाम है लंदन में, जो क्या कर रही अपने पृथ्वी का सेंटर माना जाता है। हाँ, एक लाइन है ना, उसको GMT के नाम से दिया, ग्रेनेज टाइम बताया था, मतलब उस देश रेखा के इस तरफ टाइम प्लस में चलता है, इस तरफ टाइम माइनस में चलता है। अब भारत आ गया वहाँ पर, है ना, क्या है, भारत की नज़रों से देखें तो आप मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे, वहाँ पर क्या बज रहा है शाम को, 5:30+ हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर 7:30 बज रही है, वहाँ पर शाम हो रही है, और यूके में सुबह हो रही है, और अपने यहाँ पे दोपहर हो रही है, समझ रहे। आप एक ही मैनेजर हो, आपको रिपोर्ट देनी है, किसी मीटिंग करनी है, ठीक है। अब आपकी मीटिंग हो रही शाम को 7 बजे ख़त्म, तो आप 7 बजे या 8 बजे आपको मीटिंग लेनी है रात को, 8 बजे तो वहाँ पे तो रात को 2 बज रही है एक जगह, है ना, एक जगह रात को 2 बज रही है और एक जगह 2:30 बज रही है, तो आपको एक ही टाइम पे मीटिंग लेना, कमांडिंग देना, डायरेक्शन देना, इसलिए मेल के आते हैं ऑर्डर्स वहाँ पे, फिर वो आराम से पढ़ता जब उनका टाइम रहता दिन का, तो बहुत सारे से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम भी आती है ना, तो एक ही लिमिटेशंस में आ जाती है। ये डिफरेंस ज़्यादा आता बेटा, पेज चेंज करोगे ना, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में कहा जाता प्रशासन, उच्च स्तर प्रबंधन, है ना। मैनेजमेंट भी एक पार्ट है, लेकिन देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में अधिकतर एक्चुअल में कौन बैठते हैं, ऑनर्स कौन बैठते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वो मैनेजमेंट कहलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मैनेजमेंट का पार्ट बहुत कम रहता है, बहुत कम मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। एक्चुअल में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन करता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ज़्यादा करते हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, है ना। तो एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों का ग्रुप, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस मीनिंग, इट इज़ द फंक्शन विच इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी ऑफ इंटरप्राइजेस। क्या काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑब्जेक्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीतियाँ बनाना, पॉलिसीज बनाना। टॉप लेवल क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, पॉलिसी बनाएगा, उसका काम करता है ना। मिडिल लेवल क्या करता है, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर, है ना। मैनेजमेंट क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है और दूसरों से काम करवाता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एनेबल द अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोल बाय प्रोवाइडिंग, है ना, मैकेनिज्म्स टू मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज मतलब लोगों का समूह क्या करेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए एक्टिव फैक्टर होगा, काम करेगा। रोल ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसमें, रिगार्ड एज ब्रेन ऑफ द इंटरप्राइजेस। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग कहा जाता है, है ना, इंटरप्राइजेस का दिमाग है ये, क्या मैनर ऑफ दैट हार्ट, इसे दिल कहा है। मैनेजमेंट को दिल कहा गया है,
और ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कहा गया है ना। मतलब प्रशासन क्या है, इंटरप्राइज की दिमाग है, तो दूसरा हार्ट है और तीसरा बॉडी है। दिन बता दिया आपने, जबकि एक्चुअल में मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेन दिमाग रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में माना गया है। तो माइंड कौन सा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का तो माइंड माना जाता है ना। मिडिल लेवल्स को क्या माना जाता है, हार्ट माना जाता है। मिडिल और लोअर लेवल को हार्ट माना जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को क्या माना जाता है, बॉडी मानी जाती है। तो हार्ट में किस बेस पर मतलब बोल दिया, हार्ट के क्या, हार्ट एक तरीके से क्या कर सकता है, हार्ट का भी काम क्या करता है, धड़कना, फंक्शंस को डायरेक्शन से देना, ठीक है, वही काम करता है। तो इसमें डिफरेंस बता दें, एक तरीके से उन्होंने किसी ने अपना व्यू रखा, पॉइंट रखा है, किसी क्या मान लिया, हार्ट मान लिया। एक्चुअल में ब्रेन ऑफ बिजनेस का ब्रेन ही कहलाता मैनेजमेंट। तो डिफरेंस में आप कर सकते हो, इजी है ना, ब्रेन, हार्ट और बॉडी। अब इसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है ना, ये कर सकता है डिटर्मिनिस्टिक ऑफ थिंकिंग फंक्शन, ये क्या करता है, कार्यों का निर्धारण करता है ना। कोई सा भी काम करना तो उसको डिसाइड करेगा, इट इज, और मैनेजमेंट क्या करता है, इट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और ये क्या कर रहा है, कार्यों को करवाता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो जो कार्य करता है, काम करता है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, हालांकि 3 मार्क्स में आता तो आपको पता होना चाहिए। स्कोप देखो, इसके बाद इसको छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या फोर्थ वाला देख लो। स्कोप, एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो प्रशासन रहता है, उसको कंपनी को भी संभालना है, गवर्नमेंट को भी संभालना है, क्लाइंट्स को भी संभालना है, सप्लायर्स को भी संभालना है, उसको बहुत कुछ डील करना रहता है। इसका स्कोप क्या रहता है, बड़ा रहता है। मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, लिमिटेड रहता है, कहाँ तक रहता है, जो एक्टिविटी उसको काम दे रखा है। जैसे ब्रांच मैनेजर का काम क्या, ब्रांच को संभालना, प्रोडक्शन का काम, प्रोडक्शन मैनेजर का काम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को संभालना, मतलब इसका इसके काम तक ही क्या रहता है, लिमिट रहता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या होता है, डिजाइन एंड लिमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वहां तक ही सीमित है जो प्रशासन ने निर्धारित किया है। एक एक कर सकते हैं। छठे वाला पॉइंट बहुत इजी, स्टेटस और लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट फंक्शन आर डिस्चार्ज बाय लोअर एंड मिडिल लेवल। मैनेजमेंट यहाँ पर कहाँ पर आ गया, मिडिल और लोअर लेवल में, ठीक है। और इसका लेवल डिपेंड करता है टॉप लेवल और मिडिल लेवल के कोऑर्डिनेशन पे, इनका कोऑर्डिनेशन करके जो कंपोनेंट बनाते, तो इसके बेस पे इनका क्या हो रहा है, लेवल डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। एक एक कर सकते, 3 से 4 डिफरेंस कर लो उसमें, तो मिनिमम 4 डिफरेंस चाहिए आपको। अथॉरिटीज कर सकते हो, अथॉरिटीज भी इजी है, ठीक। एक है 4 डिफरेंस कर लेना। इसका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जब आप फ्यूचर में मैनेजमेंट करोगे तो कहाँ का स्कोप मिलेगा आपको, ठीक। सबसे पहला आता देखो, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखो मैनेजमेंट में कितना स्कोप है, जब आप MBA करोगे तो आपको कितने टाइप से आपको कहाँ कहाँ मैनेजर बना सकते हैं, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है ना, जो क्या करता है, खाली मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, डिसाइड कर रहा है। देखो क्या कर रहा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इम्प्लॉयज, ठीक है। ऑफ, अच्छा ये HR मैनेजमेंट को उसने पर्सनल में डाल दिया है ना, तभी मैं समझ में आया कि पर्सनल मैनेजमेंट तो व्यक्तिगत होता है, HR का मतलब क्या होता है, HR अधिकतर गर्ल्स करती है ना। लाइक मैंने आपको मेरी कंपनी में HR अपॉइंट कर रखा कि अब आपसे क्या HR मैनेजर, HR मैनेजर का मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ जो सिलेक्ट करते, जो अच्छे अच्छे। अब मैंने क्या बोला कि आपका क्या काम है, आप मेरी कंपनी के लिए अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढो, कम से कम सैलरी में अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढो, इसमें खर्चा भी कम हो। तब आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे, जैसे 3 इडियट में जाते हैं ना, उनको चूज करने के लिए, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं, तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है, HR मैनेजर। वो क्या कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को ढूंढ रहा है,
मान के साधनों को ढूंढ रहा कि मेरी कंपनी में एक अच्छे से अच्छे स्किल वर्कर आए, कम से कम सैलरी में आए। तो ऐसे 100 जने इंटरव्यू देने आए तो उसमें 100 में से 10 अच्छे स्किल मिले। अब 10 में से जो सबसे कम सैलरी में मान रहा है, एग्रीड हो रहा है, उसको रख लेंगे। ठीक है, एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर का काम क्या रहता है, वो जगह जगह से क्या करता है, इम्प्लॉयज को है ना ढूंढने का काम रहता है। पूरा मैनेजमेंट, इम्प्लॉयज की सैलरी आप डिसाइड करोगे, इम्प्लॉयज को सिलेक्ट आप करोगे, अपॉइंटिंग अपॉइंटमेंट लेटर आप दोगे, अटेंडेंस आप लगाओगे, मतलब पूरा काम मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज का आपको दे दिया। मतलब आपका काम क्या हो गया, एचआर मैनेजर का। दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजमेंट। फाइनेंस का बहुत बड़ा स्कोप है। आई थिंक आप जब बीबीए एमबीए लोग है ना, तो वहाँ पर आपको ब्रांचेस खोलने के लिए रहती है, मार्केटिंग लेना, आपको एचआर लेना, फाइनेंस लेना। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। ऐसा मैनेजर जो केवल फंड से रिलेटेड ही मैनेजमेंट करता है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा, कहाँ कहाँ पे पैसा जाएगा, इन सबके बारे में लेन देन कौन संभालेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। हमारे घर में हमारी मॉम फाइनेंशियल मैनेजर है ना। वैसे ही कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब है जब कंपनी को पैसे की जरूरत हो तब आपके पास पैसा हो, पूरे पैसे का लेन देन आपको संभालना पड़ेगा। कंपनी को पैसा चाहिए, लोन लेना है, तो लोन आप किन सोर्सेज से लोगे है ना, डिवेंचर इश्यूट करोगे, बैंक लोन लोगे, फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस करोगे है ना, या कोई आप प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लोगे। तो एक है कोई मशीन लगानी है, कोई स्ट्रक्चर करना है, मतलब कैसा भी पैसे से, 1 रुपये से लेकर कोई सा भी डिसीजन लेना है करोड़ों तक का, तो सभी डिसीजन लेने का काम किसका रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजर का। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लाइक मेरी कोचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है फाइनेंस। अब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों से फीस कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो फीस के लिए टाइम पे बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा काम खाली पढ़ाने का है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है, केवल पैसे देखने का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल मैनेजर का काम। यही सबको सैलरीज प्रोवाइड करता है अधिकतर, तो है ना, सैलरी देना जो सब कुछ करना है वो सब यही करता है फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंशियल परचेस मैनेजमेंट, ये परचेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेता है। लाइक आपकी कोई कंपनी है, कपड़ा कंपनी है ना, आप जीन्स टी शर्ट्स रेडीमेड ये बनाकर सेल करते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो आपको कहाँ से मिलेगा। हमारे देश में 29 राज्य, कितने शहर है, कहाँ है, क्या है, कितनी सारी चीज़ें, कहाँ से आपको कपड़ा लेना होल सेल में है ना, कितनी कंपनियाँ, कितने कारखाने, आप सस्ते ढूंढोगे ना कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप पूरे इंडिया में और अवल जगह पर कैसे सर्च करोगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ कहाँ मिलेगी, अभी भी नहीं मिल पाती। हम गए कपड़े खरीदने गए, हमने अच्छे से अच्छा पेमेंट देने के बाद भी पता चल रहा, घर गए, घर पे गए, पीली शर्टें भी गई है 2 बार में तो सफ़ेद हो गई, निकल जाते, क्वालिटी ख़राब है ना उन चीज़ों की। हम अच्छा प्यावर देने के बावजूद हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है, उसका मटेरियल ख़राब है, बाद में उस कंपनी की इमेज ख़राब होती है। तो परचेस से रिलेटेड डिसीजन लेने का काम किसका रहता है, परचेस मैनेजमेंट का। वो सभी चीज़ें का करता है, प्लानिंग है ना, प्लानिंग ऑफ परचेस है ना, कॉलिंग कोटेशन मंगाना, प्लेसिंग ऑर्डर देना, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब काम करता है। देखो क्या क्या काम कर रहा है सिंधरिया है ना, क्या करता, सबसे पहले रॉ मटेरियल, स्टोर, मशीनरी, इन सबको परचेस करने का काम रहता है उसका। और परचेस करने के लिए क्या करेगा, सभी एक्टिविटीज, प्लानिंग और परचेस की प्लानिंग करना है, ठीक है, कोटेशन मंगाता सब कंपनियों से। लाइक हाँ, आपको भी कपड़ा खरीदना है ना, तो आप सब कुछ सब जगह फोन नहीं लगाओगे, आप क्या बोलोगे, जो होल सेल है, जो कपड़ा है, कपास बेचता है, तो आप उन सबको एक कोटेशन लेटर पहुँचाओगे। पहले था इसमें एक लास्ट चैप्टर पत्राचार, वो हटा दिया, हाँ उसमें बहुत सारे लेटर्स पहुँचाने पड़ते थे, ठीक है। अगर आपको कोई सी चीज़ खरीदनी है, लाइक मुझे कपड़ा खरीदना है, तो आप 5 डीलर हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक लेटर पहुँचाया, सबको एक एक कॉपी पहुँचा दी, उस पर लिखा है कि मैं इस कंपनी का होलसेल व्यापारी हूँ, मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, कपड़े बना के बेचता हूँ, तो मुझे इतने रिक्वायरमेंट में आपसे कपड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप मुझे कोटेशन भेजिए। आपने भेजा कोटेशन, क्या मित्ता परसेंट में आपको क्या करेंगे, इस हमारे पास कपड़े की क्वालिटी ये है, इतने ग्रेड में हम पेमेंट मोड इस तरीके से करते हैं, आप इतने टाइम पे पेमेंट दे सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी हम इतनी देंगे, ठीक है, और जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो आप सब मुझे दे दोगे। आपने रेट लिस्ट पूछे, आपने रेट लिस्ट पे, आपने चारों ने पूछे, अब जिसका कोटेशन कम रहा उसको क्या कर देंगे, अपन पास कर देंगे ना। टेंडर्स का मतलब यही होता है। अब
हमने पिक्चर में सुना ना, टेंडर डाला, टेंडर मिला है। टेंडर का मतलब क्या, गवर्नमेंट कुछ काम कराने के लिए है ना लोगों को ढूंढती, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डर्स के लिए, बिजनेसमैन को ढूंढती है। जैसे मुझे रोड बनाना है, तो रोड बनाना है गवर्नमेंट को, यहाँ से इंदौर से देवास तक में हाईवे में रोड बनाना है। अब रोड कॉन्ट्रैक्टर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर जितने बड़े लेवल पर काम करेंगे, तो इंडिया के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आए। आपने टेंडर डाला, टेंडर डालना मतलब आपने कोटेशन दिया गवर्नमेंट को कि सर हम इतने करोड़ लेंगे यहाँ से भारत की रोड बनाने के लिए, इतने समय में कंप्लीट कर देंगे, ये मटेरियल का एक एक चीज़ों का आपने बता दिया इसका ना, इतने समय में काम चालू कर देंगे, इतना परसेंट हमें पेमेंट वेमेंट के बारे में जो भी मोड है वो सब कर दिया। आप पाँचों ने मुझे टेंडर भरा, अब गवर्नमेंट देखेगी पाँचों में से किसका टेंडर मतलब अच्छी क्वालिटी का और कम रेट में। अब ऐसा नहीं आपने एकदम ही कम बता दिया लेकिन आपके पास मटेरियल घटिया क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि कम से कम मतलब प्राइस में अच्छे से अच्छा हमें क्या रोड क्वालिटी कौन दे सकता है, तो वो कंपनी को क्या कर देती, टेंडर पास कर देती। इसलिए लोगों इतने सारे टेंडर भरते और किसी एक का पास होता। अब एक्चुअल में ऐसा भी नहीं क्या एकदम ही आप कम कीमत कर दो तो भी टेंडर मिलना पॉसिबल नहीं होता ना। इंटरनेशनल कंपनियों में भी बहुत सारी कंपनियों में यही होता कि टेंडर सुन प्रोवाइड कर दिए जाते, तो ये रहता। तो ये काम क्या रहेगा, तो सब इसमें रहता है, परचेस मैनेजमेंट का काम में जाएगा। फिर परचेस मैनेजमेंट के बाद आया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही हैंडल करता। फाइनेंस का काम है, आपको पैसा चाहिए फाइनेंस मैनेजर से मिलो, आपको एम्प्लॉय चाहिए एचआर मैनेजर से मिलो, ठीक है। अब आपको फाइनेंस भी मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयज भी अच्छे से मिल रहे हैं, अब आपकी जवाबदारी है कि आपको कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो, ठीक है। आज के टाइम पे हर कंपनी ये सोच रही है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, वीवो के रहा मैं बेस्ट हूँ, ओप्पो के रहा मैं बेस्ट हूँ, सैमसंग के रहा मैं बेस्ट हूँ, सब जगह अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक अच्छी क्वालिटी देखें तो प्रोडक्शन में एप्पल बोल सकते हो, आईफोन में बेस्ट क्वालिटी में मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, ये बनाना चाहते लेकिन उस सॉफ्टवेयर में उसके पास हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये इक्विपमेंट्स नहीं, इस कारण वहाँ पर अचीवमेंट नहीं कर सकते ना। तो ये लगा हुआ है। देखो सैमसंग भी क्यों नहीं चाहता, अब सैमसंग का मार्केट पूरा ठप हो गया है, इंडिया में बहुत कम सेल होती सैमसंग की, ज़्यादातर लोगों की वीवो और एमआई की डिमांड है ना। सैमसंग भी तो बेस्ट करने की कोशिश करता लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास क्या उसका प्रोडक्ट इतना बेस्ट है, वो बेस्ट बनाने की अभी भी कोशिश में। नोकिया फ्लॉप हो गया क्योंकि एंड्रॉइड में सक्सेस नहीं हो पाया वो। देखो तो प्रोडक्शन में क्या हो सकता है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हो हमारे पास, कम से कम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, तो ये कैसे होगा। देखो प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन एट राइट टाइम, सही टाइम क्या सही समय पे आपको सही प्रोडक्ट मिल जाए। ऑर्डर आया है कि 500 मोबाइल देना है आपको इस महीने के एंडिंग में, पता चला इस महीने का एंड आने वाला 300 मोबाइल ही बने, तो जवाबदारी किसकी, प्रोडक्शन मैनेजर की है। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है कि सही समय पे वो प्रोडक्ट बना के तैयार रखे ना, प्रोडक्ट की मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए सही टाइम पे, उससे प्रॉपर क्वांटिटी दे राइट टाइम पे, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग हो ना, परफॉर्मिंग ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज एट मिनिमम कॉस्ट, ये बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या होता है, मार्केट की रिसर्च करना है ना, पूरा मार्केटिंग का काम करना, प्रचार करना, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो भी देखते हो ना आप, एडवर्टाइजमेंट बुक कौन करता, मार्केटिंग मैनेजर। लाइक आपका काम क्या कर दिया मैंने, प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन कर, अब प्रोडक्ट बन गए तैयार हो गए रखे कारखाने में, अब आपको दे दिया मैंने मार्केटिंग करने का कि जितना हो सके उतना प्रचार करो हमारे प्रोडक्ट का, किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़े लोगों ने खरीदे उसको, कुछ मोबाइल बनने से पहले लॉन्च होने से पहले उनके एड आने चालू हो जाते, एप्पल के भी क्या हो जाते कि कमिंग सून आ जाता मोबाइल के और लोगोस आ जाते हैं बना के कि बनने और लॉन्च होने वाला जल्दी, प्री लॉन्चिंग्स के लिए लोगों ने ऑर्डर भी देने लग जाते हैं क्योंकि उसकी मार्केटिंग करना चालू करते हैं उसने। मार्केटिंग का मतलब फेमस करना किसी प्रोडक्ट को, अब आपका काम है मार्केटिंग करना,
अब मार्केटिंग करने के भी बहुत लफड़े होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब ऐसा नहीं कि अपना प्रोडक्ट छोटा है और अपन इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में भी आप सोर्स देखोगे कि भैया कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम क्या हमें रिजल्ट के समय तक है ना। अब मार्केटिंग में शाहरुख खान जो एक्ट करेगा वो पैसा कितना लेगा, रणवीर सिंह कितना लेगा, उसकी जगह आप कुछ और स्टार ले लोगे तो वो क्या लेगा ना। यामी गौतम एक एक्ट्रेस है जो फेयर एंड लवली के एड से ही उठी है वो, है ना। अब उन्होंने ये सोचा फेयर एंड लवली वाले उसने कंपनी ने कि क्या करे कि हम शाहरुख को नहीं कर सकते, 5 रुपये की तो हम क्रीम दे रहे सबसे कम कॉस्ट में, तो हम क्या करें कि इसका किसी ऐसे एक्ट्रेस को उठाते हम कि जो कम से कम ले। अब शाहरुख खान 2 करोड़ 3 करोड़ मांग रहा, इससे उन्होंने क्या करा, डेली सॉप के आर्टिस्ट को उठा लिया, उसने 5-10 लाख में कर दिया, 2 करोड़ तो ये बचा लिया आपने। अब उसकी स्माइल, उसका लुक, अट्रैक्शन है, उसने वो फेयर एंड लवली को उठा दिया, है ना। वो हीरोइन उसी से फेमस हुई, फिर उसका उसको मूविया मिलने लगी, है ना। तो कुछ ऐसा, तो आपको क्या करना, कम से कम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम मार्केटिंग करना आपका काम है कि प्रचार करना, लेकिन पैसा भी ज़्यादा खर्चना हो, ठीक है। तो मार्केटिंग के बाद फिर एक का काम दे दिया ऑफिस मैनेजमेंट, कि आपको पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट संभालना है। ऑफिस मैनेजमेंट की भी एक अच्छा आता है कि ऑफिस मैनेजमेंट में सब प्रॉब्लम भी बहुत होती है ऑफिस मैनेजमेंट के, जैसे अपने स्कूल में ऑफिस संभालने के लिए एक रख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वो ऑफिस मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। तो ऑफिस में, ऑफिस में सारी फाइलों टाइम पर हो, सबकी जो भी अटेंडेंस लगाते हैं स्कूल्स में सब, तो ये किसका काम है, ऑफिस मैनेजमेंट का। ये तो अपना स्कूल का छोटा काम बता रहा हूँ मैं, तो वो एक ही मैनेजर सब संभाल लेता है, ऑफिस भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहे हैं, एचआर भी देख रहे हैं, वो सब संभाल लेता है, ठीक है। ऑफिस के बाद ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लाने ले जाने का, पैकेजिंग का, है ना, वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। एक होता मेंटेनेंस मैनेजमेंट, सुना ना ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो ये नहीं कि वो देवास नगर चले गए ट्रक ड्राइवर और ट्रक संभाल रहे, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपके कारखाने से बहुत सारे टनों में माल यहाँ से भाप पूरे इंडिया में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पे स्टॉक जाए, वहाँ पे पहुँच जाए, ट्रक्स को हैंडल करना, सब इन सब चीज़ों को क्या करना, मैनेजमेंट करना कि प्रॉपरली हमारा क्या करें, हमारा स्टॉक सही समय पे पहुँच जाए। अब वीवो का प्रोडक्शन इंडिया में एक जगह पर होता होगा, 2 जगह पर होता होगा, लेकिन वो पूरे इंडिया में सप्लाई पहुँचती होगी, ट्रकों से स्टॉक फिर जाता होगा सामान, तो वो जब सामान को लाने ले जाने की जिम्मेदारी जिस मैनेजर की रहती है उसको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आ गया मेंटेनेंस मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेंटेनेंस करना, ऐसा मैनेजमेंट जो पूरा मेंटेनेंस को संभालता है। जैसे आप चले गए मंगल सिटी मॉल है, कितना बड़ा मॉल है, उसमें टूट फूट होना, लाइट खराब होना, कंप्यूटर खराब होना, सिस्टम खराब होना चलता रहता है, तो उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। लिफ्ट खराब हो गए, फटाफट कोई जाए लिफ्ट ठीक करके आया, है ना। बिलिंग चल रही, कंप्यूटर खराब हुआ, एक आगे कंप्यूटर ठीक करके गया, मतलब ये क्या पूरा मेंटेनेंस संभालता है, ये होता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट अलग ही हो जाता है जो पूरा मेंटेनेंस को देखता है, क्योंकि इतने बड़े मॉल में छोटी मोटी टूट फूट होना रोज की बात है, वो एक दिन की रोज की बात है, तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट को रखोगे। डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, और इसके बाद दे दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, जो अगर आपका क्या बिजनेस बाहर भी चलता है तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो संभालो पूरा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में ही हो जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंडिया में होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इंडिया के बाहर, क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट के टाइप्स होने, आपको इनमें से किसी में भी एक मैनेजर बना सकते हैं। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि सर हम फ्यूचर में अगर मैनेजमेंट फील्ड में जाएंगे तो कितने टाइप्स में रहते हैं मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए इतने टाइप्स में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। नीड ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आवश्यकता हमारे देश में मैनेजमेंट की, सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे देश में मैनेजमेंट की। अगर हमारे देश में एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, ठीक है, लाइक अभी अपन किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेता, अपन नॉर्मली बताते, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी,
टाइम पे लोगों को टैक्स देने लगेंगे, हमारा फॉरेन डेप्ट भी कम होगा, जो मैनेजमेंट अच्छा हो रहा, करप्शन कम हो रहा, बहुत सारी चीज़ों का मेंटेन हो रहा है, टाइम पे पॉलिसीज बन रही, टाइम पे अप्लाई हो रही, सब मतलब अच्छा मैनेजमेंट होने के कारण। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर मैनेजमेंट में सबसे पीछे, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट में बहुत आगे, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या होगा इंडिया में, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, इंक्रीज नेशनल इनकम। अब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी तो लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास भी पैसा है लगा सकते। अब लोगों के पास पैसा आया, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट करो डी नंबर का, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो पहला इंक्रीज नेशनल इनकम, इनकम बढ़ी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आया, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आया तो फोर्थ नंबर में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट है, पैसा है, तो वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग का सुधार सकता है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, अब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ध्यान रखो इनकम भी अच्छी देश की है ना, एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, और क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक बैलेंसिंग ग्रोथ होने लग गई, हमारे देश विकास में क्या हुआ, कंटिन्यू बढ़ता गया, बैलेंसिंग ग्रोथ हुई, बैलेंसिंग ग्रोथ हुई है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, तो आपकी कंट्री भी, अब आपका अपना देश भी क्या हो गया, एक है ना ग्लोबल कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने लग गया, कि एक ऐसा देश है, सक्षम देश है। हालांकि अपने भारत में ऐसा नहीं है, वो समस्या होती है, जैसे आप सक्षम देश की बात करें तो लाइक यूएसए है, दुबई है, आप इन देशों पर बात करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, इनकी नेशनल इनकम हर साल इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी इनकी सॉल्व हो गई है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है ना, एक बैलेंसिंग ग्रोथ होती है। एवरी ईयर क्या होता है, इनका ग्राफ ऊपर जाता रहता है, बैलेंसिंग ग्रोथ हो जाती है, ग्लोबल कंपटीशन को भी फेस करने में इम्पोर्टेंस रहता है, मतलब ये क्या अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे देश को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने में भी मदद करता है। अभी भी हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि देसी अपनाओ देश बचाओ, है ना, स्वदेशी इंडिया बनाना है, कुछ अभी बताया था ना, कि जितना हो सके अपन भारत की बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ही हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारे देश इकोनॉमिकल डेवलप हो पाएगा। कब हो पाएगा, जब हम ग्लोबल कंपटीशन फेस करेंगे, हम बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, लोगों से पैसा ज़्यादा लेना रहेगा दूसरी कंट्रियों के, तो हमारे पास फॉरेन करेंसीस आएगी, तो हम क्या हो पाएंगे, इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएंगे। तो ये तो आप बता सकते हैं सिंपल, एक से जोड़ के एक पॉइंट से, सर हमारे देश में एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इनकम अच्छी हुई देश की तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसके बाद क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो एक बैलेंसिंग ग्रोथ होगी, एक बैलेंसिंग ग्रोथ होगी तो हम क्या होंगे, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन को फेस कर पाएंगे और हम इकोनॉमिकल भी डेवलप कर पाएंगे, 6-7 पॉइंट हो जाएंगे, कर सकते हैं। बड़ा बेटा 5 मार्क्स में आता है, आपको 5 मार्क्स में डेफिनेटली कह रहा हूँ, ऑब्वियसली लिख के रख लो, इन दोनों में से क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन क्या मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, हमारे देश में और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा और इंडिया में अपने को एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैनेजमेंट का काम किसका, मोदी जी का ही है। देखो देश में सबसे ऊपर कौन रहता है, पीएम नहीं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राजा होता है, ठीक है, लेकिन सब कार्य पीएम संभालता, प्रधानमंत्री, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वो प्रशासन है, तो ये मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उसके बाद सब क्या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा। फिर आया कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाना लोगों में, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता, कोऑर्डिनेशन बता, तालमेल वही है ना, वो एक बचपन में गेम आता था, पास में वो गाना चलता रहता था ना, वो वेलकम में करता रहता, वो पास करता रहता, कोऑर्डिनेशन, आपको पास करना, उसने उधर करा नहीं, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। बेसिक मैंने बोल इनको दी, इन्होंने आपको बोल दी और इन्होंने आपको बोल दी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दूसरा का कोऑर्डिनेशन चलता रहता,
अब ये बॉल को हटा के मैं बताता हूँ प्रोडक्शन हमें कोई काम चलता लाइक इस बैग को बनाने का काम है कंपनी जो क्या करती है फैक्ट्री बैग बनाने का काम करती है। तो पहली मशीन लगी जो क्या करती कपड़े को काटती है काटने का काम है। दूसरा क्या कर रहा है इनको बैग का स्टेप दे रहा है। तीसरा क्या कर रहे हैं इसके एसेसरीज लगा रहे लाइक चेन है जो भी इस पर लगा वो ना आप कलरिंग कर रहे आप एसेसरीज लगा रहे फाइनल फिनिशिंग दे रहे। अब मैं कपड़े काटते हो जा रहा हूँ इन्होंने क्या करा बैग बनाते आ रहे और बना बना के आपके पास ढेर रख दिया आप आगे पास नहीं कर रहे हो समझ रहे हो काम रुक गया है यहाँ पर मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रुक गया है। यह है कि मैं स्पीड से काम करते आ रहा फटाफट काटते जा रहा हूँ और धीरे धीरे काम कर रहा हूँ ना तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनने के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। सब एक दूसरे का सहयोग करे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चले कोऑर्डिनेशन के लिए ना कोऑर्डिनेशन की नॉर्मली क्या दे दिया है इसमें कोई प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है कोऑर्डिनेशन की बस समझाने की कोशिश करी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है डेफिनेशन है मीनिंग नहीं है डेफिनेशन तो सबने अपने हिसाब से बताया कोऑर्डिनेशन ठीक है। चलो डेफिनेशन में देख लेते इसकी देख लेते डब्ल्यू एच न्यूमैन ने क्या कहा आ कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइजेस इज बर्न इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज आर हारमोनियस है ना और क्या लिखा डेवोटेल एंड इंटीग्रेटेड टुवार्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब सभी एम्प्लॉयज कोई कॉमन उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज के साथ क्या करना जोड़ना ही कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये समझ में आ गया वापस से तालमेल बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने बैग का एग्जांपल दिया है क्रिकेट का एग्जांपल दिया है एम्प्लॉयज में तो मैंने बताया एम्प्लॉयज में आपस में एक दूसरे की कई बार नहीं बनती है तो एक दूसरे का काम खराब करने के लिए भी बैठ जाते हैं वो क्या कि यार मैं तो अपना देखूंगा वो जाए तो जाए है ना या आप अभी एक एज अ न्यू एम्प्लॉय फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं और इनको 5 साल हो चुके हैं उसी कंपनी में लेकिन ये अगर अपना ही सोचे और आपको बताए नहीं सही समय पर कुछ चीज़ें तो आपकी भी प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि एक नया एम्प्लॉयर है जिसके लिए एम्प्लॉय में अंतर होता है ना तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब सभी में तालमेल बना रहे ठीक है कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनना जरूरी है एम्प्लॉयज के बीच में बनना चाहिए डिपार्टमेंट में भी बनना चाहिए कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ये मार्केटिंग नहीं कर रहा तो क्या मतलब है इकट्ठा थोड़ा ना करूँगा मार्केटिंग कर रहा हूँ आपने मार्केटिंग बहुत कर दी लेकिन सेल्स मैनेजर सेल्स का काम अच्छे से नहीं कर रहा तो इन वहाँ पर भी इनमें भी कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए कि पहला कोऑर्डिनेशन आपने बताया कितनी प्रॉपरली हमारे पास एम्प्लॉयज है ना आपने क्या करा प्रोडक्शन चालू करा प्रोडक्शन है तो आप इन्फॉर्म करो इनको क्या इन्फॉर्म करो कि हमने ये प्रोडक्ट बना रहे इस समय तक लॉन्च हो जाएंगे आप मार्केटिंग करने लग जाओ कि दिसंबर एंडिंग तक हम क्या करेंगे नए प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे देन फिर आपने मार्केटिंग भी किसके हिसाब से करी दिसंबर तक की करी है ना दिसंबर तक की फिर आपने क्या करा सेल्स का काम चालू कर दिया आपको कब सेल्स का काम करना है कितनी कंपनियों में मतलब कितने आउटलेट्स पे जाके क्या करना पड़ेगा ऑर्डर्स लेना पड़ेगा तो ये क्या होगा सेल्स का काम आप करोगे तो कोऑर्डिनेशन आपस में बने डिपार्टमेंट में भी ठीक तो किन किन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए एम्प्लॉयज में आपस में कि आपस में लड़े ना दूसरा डिपार्टमेंट्स में भी बने तीसरा लेबर और मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन बनना जरूरी है मजदूरों में और मैनेजमेंट में दोनों में कोऑर्डिनेशन तालमेल बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखा रहे पिक्चरों में हड़ताल होने लग जाती है मैनेजमेंट के यूनियन लीडर का मामला है फिर यूनियन लीडर वहाँ पे जाता है क्योंकि तालमेल नहीं बन रहा दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ना तो कोऑर्डिनेशन के बारे में नॉर्मली चीज़ें आती है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा तो कैरेक्टरिस्टिक छोड़ो अभी पहले इसका करना इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है मैनेजमेंट का सारांश कहा जाता है। फाइनली अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना तो सभी का जो टोटल वर्क है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन के वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो पाएगी क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तालमेल बनना चाहिए
एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्या हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, एसेंशियल फॉर स्पेशलाइजेशन है ना, विशेष विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन तालमेल है, जो आपके पास स्किल्स एम्प्लॉय आप उसको काम दोगे। सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, ह्यूमन नेचर। कोऑर्डिनेशन इंसानों में किया जाता है, जंगली जानवरों में या मशीनों में नहीं किया जा सकता। क्या हो गया, ह्यूमन नेचर बीइंग बाय द नेचर आर सेल्फिश। इंसान का स्वभाव है वो स्वार्थी, वो केवल अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है, ठीक है। दे प्रिफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, वो हमेशा अपने व्यक्तिगत हित को ही प्राथमिकता देता है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू अवॉइड है ना पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर इनके बीच में तालमेल है, एक दूसरे के बीच में सहयोग की भावना है, तो ये अपने पर्सनल हितों को महत्व कम दे पाएंगे, ठीक है। जो इनके बीच में जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इस विवाद को दूर करने का, है ना। एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, तालमेल से क्या होता है, मानवीय संबंधों में भी सुधार आते हैं, ठीक है, और एक संबंध स्थापित होते हैं कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। बैलेंस अमंग अनइक्वल, जो अनइक्वलिटी है उस पर भी एक बैलेंस होने लग जाता है। अनइक्वलिटी मतलब असमानता है ना, उसमें भी बैलेंस होने लग जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से। और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मतलब इंसान अपनी आपकी कार्य करने की क्या हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता में और क्या हो जाएगा, में सुधार आ जाता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बाय अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, पॉइंट्स को ध्यान से समझो कि कहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट कर रहा है वो, यहाँ तक ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन क्या करती है, इम्प्रूव करती है आपकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है ना, अनावश्यक गतिविधियों को कम करती है, एफर्ट्स को, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, है ना। एक ही काम एक ही जन ने बार बार कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं कोऑर्डिनेशन। अब गाड़ी आपके घर में लाइक गाड़ी है, ठीक है, आपने साफ कर दी, कपड़ा लगा दिया, सब साफ कर दिया, उसका आपका भाई आया उसने भी साफ कर दिया, है ना। फिर एक और आया तो एक ही काम को दो तीन दिन करने लग जाते, कोऑर्डिनेशन नहीं, एक ने दूसरे को काम बताया नहीं, ठीक है, तो ये हो जाता कोऑर्डिनेशन के कारण, क्या जाता है, डुप्लीकेशन हो जाते वर्क के, वो कम हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर से बता रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चन को मैं इसी में टिक लगा रहा हूँ, आप एग्जाम में सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है। पेंसिल दो। सबसे पहले पहला और दूसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट और गिव एनी टू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। या तो आप एक मिनट रुक जाओ, इसमें से देने से अच्छा मैं यहाँ पे आपको टिक लगा के देता हूँ। आई एम पी फेले मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से पेज नंबर दो पे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पहला टिक लगा चुका हूँ, इसको लिख दिया आपने क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। दूसरा में पहला क्वेश्चन क्या लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, गिव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मीनिंग के साथ दो डेफिनेशन भी आपको लिखना है, क्लियर है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन एनी फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की किन्हीं पांच विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो पांच आपको टोटल 13 है कैरेक्टरिस्टिक्स में, 13 में से क्या करोगे आपको ओनली फाइव बताना आपको, जो आपको 13 में से जो पॉइंट पांच अच्छे लग रहे हैं वो कर लो आप। फिर इसके बाद एक पेज नंबर 6 पे इम्पोर्टेंस नीड और ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनी फाइव ना,
एक अच्छे मैनेजमेंट का आपको ऑब्जेक्ट बताना, इम्पोर्टेंस बताना ऑर्गेनाइजेशन में। पता है इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना, लेबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रोडक्शन अच्छा होने लग जाएगा, आप कॉम्पिटिशन में क्या मार्केट के कॉम्पिटिशन को फेस कर पाओगे, रिसोर्सेज के अच्छे यूटिलाइजेशन हो जाएंगे। फिर मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। कहाँ से कहाँ तक करना है बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ साइंस यहाँ से लेना है आपको, तो पहला तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, कॉल मैनेजमेंट एज अ साइंस तक। फिर यहाँ पे लेना आपको मैनेजमेंट एज अ आर्ट, तो इसको कहाँ से लेना है? आर्ट इज द पर्सनल यहाँ से लेकर, है ना, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ATC तक। ठीक है, हो जाएगा। फिर फाइनली आके कंक्लूजन में आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, वो भी अपन यहाँ तक टिक लगा चुका, एक्सप्लेन मैन टेंशन, है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? 4 ना? नहीं, 5 कहाँ से हुआ? 4 हुआ ना, 4 है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजर्स आर बॉर्न एज वेल एज मेड, एक्सप्लेन। तो ना ये पूरा करना है आपको। फिर इसमें फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दो के ही करना, मिडिल लेवल रहने देना, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट कर लो, एनी 4 फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर ये तो छोड़ देना, मेन फंक्शन वाले सब्सिडी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग कहाँ तक लेना है इसको? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग तक। देखो टिक लगा लो पहले सब्सिडी फंक्शन में, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कहाँ से कहाँ तक लगाना है इसमें? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मिल गया, एक तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया डिसीजन मेकिंग के बाद रिसर्च में देख लेते हैं। रिसर्च में देखते इन मैनेजमेंट करते हैं, रिसर्च वर्क शुड गो ऑन थ्रू एनालिसिस इन द लॉन्ग रन। इसको पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। सेकंड पॉइंट कम इनोवेशन में आप ले लो इसको यहाँ से न्यू ऑर्गेनाइजेशन तक, है ना, 4th लाइन में। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन में कंप्लीट लेना, 2.5 लाइन ही है। ठीक है, लिमिटेशन मत करो अभी, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनी 4, कोई 4 डिफरेंस करना है, 8 में से कोई 4 कर लेता। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 8। क्वेश्चन नंबर 8। फिर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट तो एक बार पढ़ लेना, बाकी अभी है ना एग्जाम पॉइंट कुछ नहीं करना, इसकी जगह ये करना आपको, है ना, नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंडिया। भारत में प्रबंध का महत्व बताना है और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इसको कहाँ से कहाँ तक लेना है? ना पहला एसेंशियल फॉर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये ओवर एम्फेसिस हिज ऑन वर्क, पहला पॉइंट तो यहाँ तक ले लो।
सेकेंड ह्यूमन नेचर इजी है, थर्ड वाला देखते इसमें यहाँ तक ले लो, पीपल आर रिकॉन्सिल्ड, ठीक है याद है, बैलेंस अमाउंग अनइक्वल, इसमें प्रोवाइड बैलेंस डिफरेंट बिटवीन डिग्री ऑफ एक्टिविटीज तक ना, डिग्री ऑफ एक्टिविटीज और इफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसमें यहाँ तक एफर्ट लीड्स टू टीम वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समझ के करना है इसको, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लेना, ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ सकते हो, आ जाएगा आसानी से, जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव आज पढ़ के देखना आप कर लोगे ऑब्जेक्टिव इसके, ठीक है।